हेलो एवरीवन, सेशन जो हमारा है फोकस रहेगा लिटरेरी टर्म टोपोग्राफिकल पोइट्री। टोपोग्राफी नाम से पता चल रहा है, टोपोग्राफ एक हम कह सकते हैं किसी भी एरिया लोकेल से जुड़ा एक हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन। टोपोग्राफिकल पोइट्री ऑल्सो कॉल्ड लोकल पोइट्री, लोको डिस्क्रिप्टिव पोइट्री, टोपोग्राफिकल पोइट्री, वर्ड्स जेनरा कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, ए सब जेनरा द प्रोटेस्ट प्रोस्पेक्ट पोएम डिटेल्स द व्यू ऑफ अ हाइट। तो देखिए, टोपोग्राफिकल पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है एक ऐसे एरिया का, एक पर्टिकुलर लैंडस्केप का, और इसका सबजेनरा माना जाता है प्रोस्पेक्ट पोएम, और जिसमें हाइट्स डिटेल दी जाती है, डिटेल्स द व्यू फ्रॉम ए हाइट, कि हाइट एक ऊंचाई से एक व्यू लिया जाता है उसके बारे में इसमें डिटेल दी जाती है। तो देखिए, जानेंगे टोपोग्राफिकल पोइट्री के बारे में कुछ डिटेल्स। टोपोग्राफिकल पोइट्री ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्केप पोइट्री, इसको लैंडस्केप पोइट्री भी कहते हैं। टर्म जो है जेनरा ऑफ पोइट्री दैट डिस्क्राइब्स एंड ऑफन प्रेजेस ए लैंडस्केप और प्लेस, ऐसा जेनरा पोइट्री का जो डिस्क्राइब करता है और प्रेज करता है किसी एक क्षेत्र विशेष को, लैंडस्केप को, ठीक है। ओरिजिन कहाँ हुआ टोपोग्राफी पोइट्री का, जिसको लोकल पोइट्री भी कहते हैं। द फॉर्म वॉज एस्टेब्लिश बाय जोहन डेनहम इन 1642 विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज पोएम कोपर्स हिल। इनकी एक पोइम पब्लिश हुई 1642 में, उसी ये इसी का एग्जांपल है टोपोग्राफिकल पोइट्री का। ये टर्म वहीं से निकली है आपकी, जोहन डेनहम का जो वर्क है कोपर्स हिल, वहाँ से इसका ओरिजिन आया है। जेनरा ऑफ पोइट्री दैट डिस्क्राइब्स एंड ओपन प्रेज ए लैंडस्केप, तो टोपोग्राफी मतलब समझ गए आप, किसी एरिया विशेष के बारे में प्रेज करना। एरिया में क्या हो सकता है, कौन कौन से पहाड़ हैं वहाँ पे, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन से लेक्स हैं, कौन से डैम्स है वहाँ पे, या वहाँ का पर्टिकुलर कौन से ट्रीज है जिसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वही आपका टोपोग्राफिकल पोइट्री है। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है, नोटेबल एग्जांपल्स जो इसके माने जाते हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए, एक तो हमने कर ही लिया का जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है कूपर सील इनका जो, क्योंकि व्यू पहाड़ियों से होता है, एक हाइट से व्यू होता है। तो देखिए जो मेजर नोटेबल एग्जाम्पल जो इसके हैं, एक है ग्रोंगेर हिल 1726 में जोहन डायर का है। ग्रोंगर हिल नोटेबल एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोंगर हिल टोपोग्राफिकल पोइट्री। ओड ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ एटोन कॉलेज 1747 में थॉमस ग्रे का है। ओड ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ एटोन कॉलेज 1747 में। इओलियन हार्प एसटी कॉलेज का वर्क है, इओलियन हार्प 1796 में। टिंटन एबे 1798 यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का है, टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ का 1798 में, और इओलियन हार्प कॉलरेज का, ओड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ इटोन कॉलेज थॉमस ग्रे, और ग्रोंगर हिल जोहन डायर। तो देखिए नोटेबल एग्जांपल जो मैंने फोर आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनसे एग्जांपल्स निकल पड़ता है, या इनकी जो क्रोनोग्राफी क्रोनोलॉजी वो पूछ ली जाती है, फिर इनके राइटर्स के नाम टिंटन एबे में पता है कॉमन है, और एओलियन हार्प जो थोड़ा ये हमारा ज़्यादा फेमस भी नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना है, और ग्रोंगर हिल। तो देखिए कुछ स्पेसिफिक इसके जो नोटेबल एग्जांपल्स हैं, टोपोग्राफी का मतलब हम समझ चुके क्या है। अब कुछ एग्जाम फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में, जैसे हु कॉइंड द टर्म टोपोग्राफिकल पोइट्री, तो जोहन डेनहम इन 1642 जोहन डेनहम ने इसको कॉइन किया है। इन विच पोएम डेनहम मेंशनड और डिटेल्ड अबाउट टोपोग्राफिकल पोइट्री, और विच पोएम बिकम द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ टोपोग्राफिकल पोएम, तो टोपोग्राफिकल पोएम का ओरिजिन कहाँ से, कोपर जिले इनका 1642 में जोहन डेनहम का, ये भी ध्यान रखना है। हु रोट लाइफ ऑफ जोहन डेनहम, ये बुक है, ये जो सैमुअल जॉनसन लिखा था लाइफ जो पोइट्स के ऊपर लिखा है, तो उन्होंने इनकी पोएम इसके ऊपर भी लिखा है, लाइफ ऑफ जोहन डेनहम 1779 में 1779 में। हाउ डू वी कैन एक्सप्लेन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ ए लैंड इंक्लूड्स नेचुरल फॉर्मेशन सच एज माउंटेन्स रिवर्स लेक्स एंड वैलीज, तो इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है
चाहे पहाड़ हो, चाहे वहाँ के झीलें हो, चाहे वहाँ के घाटियाँ हो, उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो टोपोग्राफी में आता है। तो देखिए जिनसे हमने जाना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टोपोग्राफी के बारे में। सो दिस ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।